तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो सुपर स्टॉक एडवाइजर। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में। देखिए, ये छोटी सी कंपनी है। अगर इस स्टॉक के आप शेयर होल्डर हैं तो प्लीज़ करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये शेयर मेरे रडार पे आ जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस वीडियो को आप लोग लाइक करोगे तभी मैं दूसरी वीडियो भी इस पर बना पाऊंगा। इसमें इवेंट पेंडिंग है, बायबैक अनाउंस हो चुका है, बायबैक डिक्लेयर होगा, बायबैक से रिलेटेड हर एक न्यूज आएगी, कब लिस्टिंग होगा, कब उसका पैसा आएगा, कब एक्सेप्टेंस रेशियो अनाउंस होगा, कब क्या होगा, सारा वीडियो मैं इसमें बनाऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो 668 रुपये के आसपास इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल देखेंगे दोस्तों तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ पे टेक्निकल रेटिंग भी देखेंगे तो बुलिश है और यहाँ पे 75% क्राइटेरिया को कंपनी फिल भी कर रही है। अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग लगभग 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। छोटा सा कंपनी डिविडेंड भी देती है और सेक्टर का पी इसका देखेंगे तो 38 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर हम लोग पी रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे इसका पी रेशियो जो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है वो मतलब हाई पी थोड़ा सा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब देख सकते हो ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनी ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसका हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बोर्ड मीटिंग दिखा दूँ, ठीक है ना। बोर्ड मीटिंग यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे कल की डेट में इसमें बोर्ड मीटिंग डेट रखी गई है बायबैक के लिए। अब देखेंगे कितने परसेंट प्रीमियम पे कंपनी बायबैक करती है। 668 रुपये तो इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है। अगर 1000 के ऊपर ऊपर का अगर कंपनी बायबैक लेके आती है तो ये इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्सेप्ट मतलब प्रीमियम वाइज एक्सेप्टेंस रेशियो का तो फिर देख लेंगे कितना परसेंटेज जो है कंपनी बायबैक कर रही है अपने टोटल इक्विटी शेयर का। तो इसमें ये न्यूज कल आएगी, मैं इसको कवर करूंगा। आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चैनल पर। देखिए यहाँ पे एनुअली अगर रिपोर्ट रिजल्ट देखेंगे हम लोग तो रेवेन्यू में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं देखने के लिए मिल रही है, स्टेबल ही है। हालांकि इसके जो है पीछे से देखेंगे तो बढ़ोतरी ही देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट इस साल थोड़ा सा कम होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, जबकि 61, 67, 68 करोड़ के आसपास का इसका जो है नेट प्रॉफिट हुआ करता था। वॉल्यूम भी इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है, 70,000, 80,000 इक्विटी शेयर जो है इसमें ट्रेड होते हैं। हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा कुछ रिटर्न कंपनी नहीं दे पाई है, 10 से 11% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर 1 साल का या फिर 20 साल का टोटल रिटर्न देखेंगे तो हम लोगों को निगेटिव ही देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए चार्ट पे अगर देखेंगे इस कंपनी का चार्ट तो ठीक चार्ट अभी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। चार्ट पे कोई भी वैसी बुराई तो अभी फिलहाल में तो नहीं है, ठीक है। इसको 621 रुपये के ऊपर जब तक है इसको बाय करके रखिए, और इसी 621 रुपये के नीचे का आप लोग इसमें स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। टारगेट के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो टारगेट जो इसमें हम लोगों को मिलने की संभावना है दोस्तों, टारगेट लगभग लगभग ये वाले जोन के आसपास का इसमें मिल सकता है। थोड़ा सा और ऊपर हम लोग जाएंगे, कुल मिला के ये वाले लेवल का इसमें टारगेट मिल सकता है 785 रुपये के आसपास का। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ करके ज़रूर से ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा।